इंटरनल सिक्योरिटी काउंटर इंटेलिजेंस विंग सारे बड़ा आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नाल काम कर रहे थे। अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA के वारंट्स जिहड़े ने इशू किए हुए सी कोर्ट ने, तो अज सवेरे अमृतपाल सिंह नूं डिटेन किया गया। NSA के जिहड़े वारंट्स आ उन्हां नूं एग्जीक्यूट करके उहदे अंडर डिटेन किया गया और फरदर इस केस के जिहड़ा वा कानून के अनुसार अगे कार्रवाई होगी। लोगों ने पब्लिक ने सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पंजाब के लोगों का जिन्होंने इस पूरे दौर के दौरान पंजाब दे विच कम्यूनल हारमनी पीस मेनटेन की है और पंजाब पुलिस भी कमिटेड है पंजाब दे विच कम्यूनल हारमनी तो पीस मेनटेन करने वास्ते और कुछ जिहड़े हैगे ने एलीमेंट्स उन्होंने वार्निंग दी जाती है कि किसी भी तरह का माहौल पंजाब दे विच जिहड़ा वो खराब नहीं होने दिता जाएगा, किसी नूं भी पंजाब का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमृतपाल सिंह नूं अज सवेरे करीब 6:45 ते रोडे पिंड तो गिरफ़्तार किया गया। पंजाब पुलिस ते इंटेलीजेंस विंग दे कोले कंक्रीट इनफॉर्मेशन सी ऑपरेशनल इनपुट्स दे बेसिस दे उत्ते कि वो रोडे पिंड दे विच जिहड़ा वा प्रेजेंट आ, उन्हूं पुलिस ने सारे पासे तो नाकाबंदी करके पिंड नूं घेरिया होया सीगा, पर क्योंकि वह गुरद्वारा साहब के अंदर सीगा तो गुरद्वारा साहब की मर्यादा जिहड़ी आ वह सुप्रीम आ, उन्हूं मेनटेन करना सारयां दा ही साडा फर्ज आ कि किसी भी तरह का मर्यादा दे नाल कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। सो उस संबंध दे विच जदों ये कन्वे हो गया कि सारे पासे तो घिर गया है और कोई चारा एस्केप का उतों नहीं है, उस तो बाद दे विच उन्हों गिरफ़्तार किया गया करीब 6:45 से, जिस तरह मैं दस्या NSA के अधीन गिरफ़्तार किया गया है। उस तो बाद डिटेन करके वो वारंट एग्जीक्यूट करके उन्हों दिब्रूगढ़ वास्ते जिहड़ा रवाना पंजाब पुलिस ने कर दिता है। ये जिहड़ा जॉइंट ऑपरेशन सीगा पंजाब पुलिस का तो इंटेलीजेंस विंग का, पंजाब पुलिस को जो लगातार पंजाब पुलिस ने इस केस में दबाव बनाया हुआ था पिछले 35 दिन से, सारे ही पंजाब पुलिस के जो विंग्स थे वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे जिसमें इंटेलिजेंस विंग है बाकी सारे हमारे विंग्स हैं। अमृतपाल सिंह के खिलाफ NSA के वारंट्स इशू हुए थे, इन वारंट्स को आज सुबह एग्जीक्यूट किया गया है, उसकी गिरफ्तारी जो है NSA के अधीन की गई है। फर्दर इसमें जो लॉ है अपनी जो अपने पेज पे ड्यू प्रोसेस के साथ लॉ काम करेगा। इसमें पंजाब के लोगों ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पंजाब में कम्युनल हारमनी पीस को मेंटेन किया है, हम अपनी तरफ से पूरे पंजाब के लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक कम्युनल हारमनी और पीस मेंटेन की है इन दिनों में, और पंजाब पुलिस कमिटेड है पंजाब में पीस मेंटेन करने को और पंजाब पुलिस ने इन दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से मेंटेन किया है। साथ के साथ मैं उन एलिमेंट्स को जो मिस्चीवियस एलिमेंट्स हैं जो पंजाब का माहौल ख़राब करना चाहते हैं उनको वार्न करते हैं पंजाब पुलिस की तरफ से कि किसी को पंजाब का माहौल ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्पेशल ऑपरेशनल इनपुट्स हमारे पास थे जिसमें पंजाब पुलिस और पंजाब पुलिस के जो इंटेलिजेंस विंग हैं उनके पास थे कि अमृतपाल सिंह रोडे विलेज में प्रेजेंट है, सुबह एक ऑपरेशन चला के जिसमें पूरे विलेज को प्रॉपर तरीके से पूरे संयम के साथ पेशेंस के साथ कॉर्डन करके, और उसके बाद क्योंकि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी कि अमृतपाल सिंह गुरुद्वारा साहब के अंदर है, गुरुद्वारा साहब की जो मर्यादा है वो सबसे सुप्रीम है, तो उसको मेंटेन करते हुए एक मैसेज उसके पास चला गया, कन्वे हो गया, उसको पता चल गया कि अब वो सारी तरफ से गिर चुका है और उसके पास एस्केप करने का कोई रूट नहीं है। तो इसमें पंजाब पुलिस का जो अमृतसर रूरल पुलिस है और इंटेलिजेंस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं उनके कोऑर्डिनेशन से सुबह उसको रोडे विलेज से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार करने के बाद NSA का जैसे मैंने बताया वारंट एग्जीक्यूट किया गया है, उसमें गिरफ्तार करके उसको दिब्रूगढ़ असम के लिए एज़ पर प्रोसीजर एज़ पर लॉ जो है रवाना कर दिया गया है। इस पूरे एपिसोड के दौरान जो पंजाब के लोगों ने पीस मेंटेन की है उसके लिए पंजाब पुलिस की तरफ से पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हम लोगों के बहुत थैंकफुल हैं। अंडर रिलेंटलेस प्रेशर बाय पंजाब पुलिस फ्रॉम लास्ट 35 डेज एंड ऑल द विंग्स ऑफ पंजाब पुलिस दे हैव वर्क्ड इन कोऑर्डिनेशन फॉर दिस स्पेशल ऑपरेशन। आई वुड जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन दैट NSA वारंट्स वर इशूड अगेंस्ट अमृतपाल सिंह एंड NSA वारंट्स हैव बीन एग्जीक्यूटेड टुडे मॉर्निंग। Further, law will take its own course in this case. People in Punjab, they have maintained peace and harmony. And Punjab police and especially Punjab government is thankful to the people of Punjab for maintaining communal peace, communal harmony during this period. Punjab police is committed to maintain law and order in the state of Punjab.
एनी मिसचीवियस एलिमेंट स्प्रेडिंग एनी टाइप ऑफ र्यूमर दे आर वॉन्ट टू बी केयरफुल एंड स्ट्रिक्ट एक्शन वुड बी टेकन अगेंस्ट देम एनी सच र्यूमर एनी सच मिसचीफ विल नॉट बी टॉलरेटेड बाई पंजाब पुलिस. Amritpal Singh has been arrested by Punjab Police at around 6:45 a.m. today morning in village Rode. He was absconding from last about more than 1 month. Special operation was launched. A joint operation was conducted by Amritsar Police and Intelligence Wing of Punjab Police. He was located in village Rode based on operational inputs by Punjab Police, and he was surrounded from all sides. The village was surrounded by Punjab Police. Since he was inside a Gurdwara Sahab, so to maintain sanctity of Gurdwara Sahab is supreme for everyone. So to maintain sanctity, the police did not enter the Gurdwara Sahab, and since he knew that he had no way to escape now, he was surrounded by Punjab Police from all sides. The village was surrounded by Punjab Police. So he was arrested at around 6:45. He has been taken to Dibrugarh under NSA, and further the law will take its own course. We are thankful to people of Punjab for maintaining peace and harmony during this entire episode. Thank you so much. पूरा जिहड़ा हैगा गुरुद्वारा साहब के काफी सारी संगतां नूं बुला के पूरा सरेंडर जिहड़ा हैगा करन दी गल कीती गई, उहदे च किन्नी सच्चाई है? देखो उहदे च बहुत क्लियर है कि असीं उहनूं अरेस्ट कीता है सारे पासे तो जो घिर गया सीगा, उस तो बाद दे विच गिरफ्तार किया गया है. अंदर की होया की क्या गया उहदे बारे च टिप्पणी करना वाजिब नहीं है, बट जिस तरीके नाल इस पूरे ऑपरेशन नूं प्लान किया गया सीगा, जिस तरीके दे कंक्रीट इनपुट सीगे, जिस तरीके दे नाल विलेज नूं सराउंड कर लिया गया सीगा, क्योंकि सेंक्टिटी मेनटेन करना सब तो इंपोर्टेंट सीगा गुरुद्वारा साहब दी. उहदे अंदर पुलिस किसी भी तरीके दे नाल यूनिफॉर्म दे विच एंटर नहीं कर सकती सीगी. सो जो सारे पासे तो घिर गया, जो पता लग गया, तो दैन जी अरेस्ट आओ पॉसिबल होता है. अमृतपाल गुरुद्वारा साहब तो जान तो पहला अरेस्ट नहीं किया जा सकता सी, कोई इनपुट इंटेलिजेंस नहीं सी. किन्ने दिन पहला पहुंचा? देखो ये जो ऑपरेशन है पिछले 35 दिन तो चल रहा सीगा, जो पिछली बारी 28 तरीक नूं हुशियारपुर तो एब्सकॉन्ड किया सीगा. सो लगातार ये जो ऑपरेशन जारी सीगा, क्योंकि एकदम यू कैन से आइडेंटिफाई करना कि बंदा कितने होगा पॉसिबल नहीं सीगा. पर जिहड़ा अज वाला ऑपरेशन होया कंक्रीट ऑपरेशन सीगा, प्रॉपर इनफॉर्मेशन सीगी, और इनू बहुत वधिया तरीके दे नाल प्रॉपर संजम दे नाल पेशेंस दे नाल इनू अंजाम दित्ता गया. मुद्दा तक पहुंचा कुछ इनपुट सीगी वो सारा जिहड़ा है जी हुण तफ्तीश दे दौरान कोई भी अगे जिहड़ी डेवलपमेंट इस केस होगी वो टाइम टू टाइम दसी जाएगी. फिलहाल इन्ना गिरफ्तार करके NSA दे अंदर उन्होंने डिब्रूगढ़ भेज दिया गया है, फर्दर जो कार्रवाई होगी तो उन्होंने साथ में कोशिश होती है उत्थे ही उन्हें गिरफ्तारी होती है. वो साथ जगन्नाथ सिंह पिंडरावाला के नाम से गुरुद्वारा बनाया हुआ है, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਕਟਸ ਆ ਦੱਸੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕੀਤਾ. ਲੋਕੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਐਸਕੇਪ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ. ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਪਲਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੈਂਡਰ. ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫਰਦਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ. ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਾ ਕਿ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਨਪੁਟ ਸੀਗੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਰਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਵਿਲੇਜ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਐਸਕੇਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ. ਸਰ ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ. ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨਡ ਆ, ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਆ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ. ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਟਡ ਆ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਲ ਹਾਰਮਨੀ ਅਤੇ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨਲ ਇਨਪੁੱਟਸ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ
ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਵਾਲ ਬੱਬਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਕੱਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਪਿਛਲੇ 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। 35 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਸ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਆਫੀਸਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਇਹ ਸਕਸੈਸ ਹੋਇਆ। 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਫਾਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਰਦਰ ਜੋ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਰਟਲੀ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਕਿਆ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਫਤੀਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਕੀ ਜੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤਭੀ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥਾ ਇਸ ਕੇਸ ਮੇ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਹੁਆ ਥਾ, ਉਸ ਦਬਾਅ ਕੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜੋ ਇਨਪੁਟਸ ਵੀ ਵਹੀਂ ਸੇ ਆਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੇ ਪਾਸ, ਸਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਕੇ ਪਾਸ ਵਹੀਂ ਸੇ ਇਨਪੁਟਸ ਆਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਆਜ ਸੁਬਹ ਹਮੇ ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਫਾਈਨਲੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜੀ।